इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि समस्तीपुर जिले से है, जहां विद्यापति नगर में थाना क्षेत्र के दलसिंह सराय बजरंगी चौक मुख्य पथ पर विद्यापति स्मारक चौक के समीप सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे सीमेंट लदे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक के दुकान में घुस जाने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें इस हादसे में एक महिला की दर्दनाक मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दुकान में मौजूद कई ग्राहक गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि दलसिंह सराय की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक जो कि अचानक स्मारक चौक स्थित शांति स्वीट्स एंड चार्ट हाउस नामक दुकान में घुस गया। इस घटना में वहां मौजूद दुकान संचालक रामचंद्र शाह की पत्नी मीना देवी, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, मौत हो गई है और इस घटना में 4 से 5 ग्राहक जो कि वहीं पर थे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना में दुकान में बैठी मीना देवी के परखच्चे उड़ गए थे, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष फिरोज आलम के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, चालक को हिरासत में ले लिया और घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने दलसिंह सराय बजरंगी चौक पथ को स्मारक चौक के समीप जाम कर दिया। भारी भीषण बवाल को देखते हुए जैसे तैसे पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण किया। प्रशासन की मिलीभगत से सड़क किनारे अवैध टेम्पो स्टैंड बनाए गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है, जिस कारण आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं और आम जनजीवन अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। उधर SHO फिरोज आलम ने कहा कि उक्त ट्रक का चालक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विक्रम गांव निवासी अमरजीत कुमार को हिरासत में लिया गया है। चालक ने पूछताछ के क्रम में कहा है कि यह करपुरी ग्राम स्थित रैंक पॉइंट में सीमेंट लेकर साहिड वृंदावन स्थित निर्माणाधीन NH-122B के स्टोर जा रहा था, इसी दौरान अचानक ब्रेक फेल हुआ, अनियंत्रित हुई और यह घटना घट गई। आइए देखते हैं स्थानीय ग्रामीण लोगों का और ड्राइवर का भी क्या कहना है हमारे संवाददाता रत्नशंकर भारद्वाज की इस रिपोर्ट में। क्या कहा जाए, तो बड़ा दुखद घटना है, जितना भी कहा जाए कम होगा, दुर्भाग्य है ऐसा हो गया। क्या मतलब पब्लिक यहाँ पे जो है रोड जाम वगैरह कर दी है, क्या कुछ डिमांड है? क्या मुआवजा मिलना चाहिए वो लोग, और क्या गरीब आदमी है। चाय का दुकान है क्या, होटल है, उन्हीं की हाँ लिट्टी कचरी बेच के दुकान चलाता है। सब क्या कहेंगे यार? प्रशासन और आया है कि नहीं? अब तो व्यवस्था ने उस पर सोचा जाएगा, अब तो घटना हो गया है, इस पर सोचा जाए जो गरीब को कैसे। आए दिन देखा जाता है कि जो सामने में टोटो रिक्शा एकदम सही बात, उसके वजह से भी घटना है, वही कारण है, वही कारण है दुर्घटना का। एकदम जाम लगा कर लगाए हुए रहता है कोना पर, उसी के चलते घटना घटता है। टर्न भी है, ओवरब्रिज बनना था जो अभी तक नहीं बना, एकदम हटना चाहिए, एकदम खाली रहना चाहिए। विद्यापति नगर तो ये जो ट्रक जो है उस पर सीमेंट लदा हुआ है, RKS वाला कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है NH-22 का, और घटना पर घटना होते जा रहा है उनके ट्रक से। हमको तो बुझाता है इनका ब्रेक आर फेल हो गया, ट्रक पुराना है। और इसमें जो है से हमारा रामचंद्र शाह की पत्नी मीना देवी जो स्पॉट मर्डर है, इसके देह पर चढ़ गया ट्रक, इसको 9 बच्चा है, 9 बच्चा का प्रतिपाल के लिए कम से कम कंस्ट्रक्शन वर्क दो 25 लाख रुपया कम से कम मुआवजा दे, जो उस गरीब को राहत मिलेगा, बाल बच्चे को, उसका भविष्य अंधकार में चला गया। और क्या लोड था? सीमेंट था। कहाँ से जा रहा था? समस्तीपुर की दिशा से आ रहा था और यहाँ वृंदावन में उसका कैंप है, वहीं जा रहा था। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि उस गरीब का जो है मुआवजा मिलना चाहिए, वो चाय का दुकान और लिट्टी कचरी का बेच के बच्चे का प्रतिपाल करता था विद्यापति नगर चौक पर, उसका तो स्पॉट मर्डर हो गया। वह महिला मृत्यु तो एक लोग की हुई है, मीना देवी की, घायल भी है 2-3 को। वो सब कहाँ? वो सब अस्पताल गया अभी मिर्जापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मौके वारदात पर पुलिस पहुंची है? पुलिस पहुंच गई है, थाना पहुंचा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश पासवान हुआ। पेट टेम्पू लगा रहता है दोनों तरफ, पुराना थाना और बजरंगबली के मंदिर के सामने से, इसलिए गाड़ी को निकलने में दिक्कत होती है और प्रशासन उस टेम्पू को नहीं हटाते हैं, इसी कारण ऐसी घटना होती है आए दिन, समझे। और आगे भी देखे हैं, 2-4 दिन पहले वहाँ पे घटना हुआ है एजेंसी के पास, हीरो सत्यम एजेंसी के पास। तो इस पर प्रशासन आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दें और इसको हटाए टेम्पू को यहाँ से, ठीक। आपका कहना है कि जो यहाँ पे आए दिन टोटो टेम्पू लगा हुआ रहता है, इसके वजह हाँ इससे आम जन को बहुत क्षति होती है आने जाने में, और अतिक्रमण जो हटा था वो अतिक्रमण हटने के कारण फिर अतिक्रमण आ गया है, उसको सबसे पहले हटाया जाए और इस दुर्घटना को रोका जाए। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार। लापरवाही है,
किस तरीके का लापरवाही है? लापरवाही है कि यहाँ जाम लगा रहता है, इसके लिए हमारे द्वारा और धर्मराजा के द्वारा भी खबर किया गया कि जाम यहाँ से खाली करवाने के लिए, लेकिन करवाया नहीं गया। कब बोला गया था? यज हो गया एक महीना से इसके लिए बोला जा रहा है कि ऑटो का यहाँ पर पूरा जमावड़ा रहता है, जिस वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। मेन कारण है ऑटो टोटो रिक्शा जो यहाँ? जी हाँ जी हाँ, अति का यहाँ जितना जाम लगा रहता है जिस वजह से। क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। क्या है? उप मुखिया। इतना हो गया, ब्रेक फेल हो गया। अच्छा जी, हम हल्ला किए फिर भी आदमी जो भागना था भागा, और जिसको नहीं सुनाई पड़ा उन्हें भागा, ब्रेक फेल होते के कारण एक्सीडेंट होके एक आदमी मौत हो गया। कहाँ से आ रहे थे? हम करपुरी ग्राम समस्तीपुर से आ रहे हैं। क्या लोड था ट्रक में? सीमेंट लोड था। कहाँ ले जाना था? विद्यापति। विद्यापति में कहाँ? बजरंगी चौक। किसके पास? वो प्लांट में जा रहे थे, रोड कंस्ट्रक्शन वाला प्लांट में। जी सरकारी बोरा था। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। कहाँ घर है आपका? घर है विक्रमपुर। आप ड्राइवर हैं? जी।